दही वाली मंगम्मा। बच्चों, आज मैं आप सभी को एक छोटे से गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस गांव का नाम वेंकटपुर रहता है। वेंकटपुर गांव में मंगम्मा नाम की औरत अपने बेटे पुतो और पुते के साथ रहती है। मंगम्मा अपने परिवार का भरण पोषण दही बेचकर करती है। वह अक्सर बंगलौर जैसे शहरों में जाकर दही बेचा करती है और दही बेचने के बाद जो भी रुपया उसे प्राप्त होता है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। जब भी वह दही बेचने जाती है बंगलौर शहर में, लेखक के घर जरूर जाती है और लेखक के घर भी दही बेचती है और अपने सुख दुख को वहां पे बताती है। लेकिन एक दिन की बात है, मंगम्मा जब अपने घर पे रहती है, मंगम्मा का जो पुतो होता है नजम्मा, वो अपने बेटे को काफी पिटाई करती है। पोते को पीटते हुए देखकर मंगम्मा काफी दुखित होती है और अपने पुतो को जाकर काफी डांट फटकार लगाती है। पुतो भी जो है शांत नहीं रहती है, वह मंगम्मा से झगड़ा करना शुरू कर देती है। दोनों में वाद विवाद होता है, काफी वाद विवाद बढ़ जाता है। उसी के दौरान मंगम्मा का बेटा आता है। मंगम्मा का बेटा जैसे ही आता है, मंगम्मा सारी घटना को एक एक करके अपने बेटे को बताता है। मंगम्मा का बेटा बोलता है, माँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करो। लेकिन फिर भी जो है सास पुतों में झगड़ा होते ही रहता है, लगातार झगड़ा बढ़ते ही चला जाता है, वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, अंत में मंगम्मा को बोलना पड़ता है, बेटा तुम मुझे चाहते हो अलग करना तो अलग कर सकते हो। बेटा बोलता है कि माँ, मैं तो अलग करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप शर्त रखते हैं कि पत्नी और माँ में किसे चुना जाए, मैं अपनी पत्नी को चुनूंगा, क्योंकि मेरे सिवा इसका कोई और नहीं है, आप तो अकेले भी रह सकते हैं। इस बात को सुनते ही मंगम्मा काफी दुखित हो जाती है। उसके बाद मंगम्मा बोलती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो मुझे अलग करना तो अलग कर सकते हो। उसके बाद मंगम्मा जो है दही बेचने के लिए बंगलौर शहर में चली जाती है। जब वह शाम को बंगलौर शहर से दही बेचकर आती है तो देखती है कि सारा जो बर्तन है उसे अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया है। उसका बर्तन अलग साइड में रख दिया गया है, वैसा ही बर्तन रखा गया है। मंगम्मा समझ जाती है, बेटा पुतो जो है मुझे अलग कर दिया है। फिर भी मंगम्मा थोड़ी सी दुखित होती है, लेकिन फिर से जो है सुखी रहना शुरू कर देती है। खाना बनाती है, आती है और बंगलौर शहर में चली जाती है दही बेचने। जब मंगम्मा अपने बेटे पुतों से अलग हो जाती है, वह सोचती है कि अब मैं किसके लिए धन कमाऊं। जो भी रुपया वह कमाती है वह अपने आप पर खर्च करना शुरू कर देती है। वह अपने पोते से काफी प्यार करती है, इसलिए अक्सर अपने पोते के लिए कुछ न कुछ मिठाई खरीद कर जरूर लाया करती है और छुप छुपा कर उससे मिला करती है। लेकिन एक दिन की बात है, जब मंगम्मा दही बेचकर वापस आ रही होती है, उसी के गांव का एक रंगप्पा नाम का आदमी, जो स्वभाव से जुआरी एवं चोर होता है, वह उसे बीच रास्ते में रोक लेता है। रुकने के बाद मंगम्मा को बोलता है कि मंगम्मा, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। मंगम्मा बोलती है कि मेरे पास कोई रुपए नहीं है। रंगप्पा बोलता है कि मंगम्मा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारे पास रुपए हैं, तुम उसे जमीन के अंदर गाड़ कर रखती हो। इस बात को सुनकर मंगम्मा घबरा जाती है और कैसे भी करके वहां से वापस चली आती है। मंगम्मा रंगप्पा से तो छुटकारा पा लेती है और वापस घर चली आती है, लेकिन इस बात की जानकारी उसके बेटे पुतों को हो जाता है। बेटे पुतों सोचते हैं कि लगता है कि माँ रंगप्पा नाम के आदमी को अपना रुपया देना चाहती है। बेटे पुतों को अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है। वह सोचता है कि माँ से अब हमें माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है जब दूरिया बढ़ता है तो प्यार भी बढ़ता है। वह अपने छोटे बेटे को मंगम्मा के पास भेजते हैं, क्योंकि जानते हैं मंगम्मा पोते से काफी प्यार करती है और इसी बहाने जाकर बेटा पुतो जो है मंगम्मा से माफी मांग लेते हैं। उसी के बाद ये कहानी समाप्त हो जाता है और बेटे पुतो को अपनी गलती का पछतावा होता है। बच्चों,
ये कहानी जो है केवल दही बेचने वाली मंगम्मा की नहीं है, ये पूरे संसार की कहानी है, हर घर की कहानी है, हर उस मंगम्मा के साथ ऐसा ही होता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।